प्रेज लॉर्ड, आज हमारे लिए मनन का विषय है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 से लेकर 16:4 तक। जब वह सहायक पिता के यहां से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहां से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्षी देगा, और तुम लोग भी साक्षी दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम विचलित ना हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे, उतना ही नहीं वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाले ये समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और मुझको। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैं तुम्हें यह पहले ही सचेत किया था। क्रिस्ट में प्यारे भाई और बहनों, संत योहन का सुसमाचार से हम लोग इन दिनों में पाठ सुनते आ रहे हैं, और आने वाले दिन में हम विशेष रूप से संत योहन के सुसमाचार से यही पाठ सुनते रहेंगे कि पवित्र आत्मा उनका सहायक वे हमारे पास भेजने वाले हैं। प्रभु की वाणी कितने सटीक रूप से उस समय में भी और इस समय में भी हमारे सामने सच होता हमें दिखाई दे रहा है। हमने जाना है कि आदिम कलीसिया में जब कलीसिया के विरुद्ध उपद्रव चालू हो गया था, सतावट शुरू हो गई थी, लगभग जो बातें आज सुसमाचार में कही गई है वो सारी बातें दोहराता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। जब प्रभु उनके साथ में थे और विशेष रूप से पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था, तो हम देखते हैं कि शिष्य भीरू थे, उनमें कोई शक्ति ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। वह बड़े ही छोटी छोटी बातों के सामने बिखर जाते थे, लेकिन एक बार पवित्र आत्मा के आगमन के बाद हम प्रेरित चरित एवं अन्य पत्रों में यही कार्य को देख रहा है कि वे शिष्य जो छोटी छोटी बातों से घबराए जाते थे, वही शिष्य प्रभु के सशक्त साक्षी बनकर सबके सामने प्रभु का साक्ष्य देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिन में हम लोग पवित्र आत्मा का नोवीना में प्रवेश करने वाले हैं। नोवीने के प्रारंभ में भी और आने वाले दिनों में भी हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा से फिर से कलीसिया विभूषित हो जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी कलीसिया में भी इस प्रकार का एक परिवर्तन देखने को हमें जरूर मिले। प्रार्थना करेंगे कि जो डरे सहमे शिष्य हुआ करते थे प्रभु के पवित्र आत्मा के आगमन के पहले और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद, वही शिष्य पूर्ण शक्ति के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ प्रभु का जिस तरह से साक्ष्य देते हुए हमें वचनों में दिखाई देते हैं, उसी तरह कलीसिया में प्रभु के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के फिर से अभिषेक के द्वारा हम प्रभु की शक्ति को देख पाए और प्रभु के शिष्य प्रभु का साक्ष्य देने में कामयाब हो पाए। प्रार्थना करें। आज वचनों में कहा गया है कि जो तुम्हारा हत्या करता है, जो तुम पर जुल्म करता है, उसको लगेगा कि वह ईश्वर के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं और एक तरह से प्रभु के साक्ष्य देने वालों को कारावास में बंद किए जाते हैं, वही वचन आज भी हमारे बीच
सच होता हमें दिखता है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे अवस्था में हम दिल खोलकर प्रार्थना करें कि प्रभु का पवित्र आत्मा हमें सशक्त करे, हमारे जुबानों पर वह अपना वचन रख दे, ताकि हम सशक्त रूप से उनका साक्ष्य देने में कामयाब हो सके विरोधियों के सामने। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज से लेकर आप सबों को यही कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में भी बारंबार इसको मैं दोहराऊंगा कि कलीसिया में नव स्फूर्ति के लिए हम प्रार्थना करें, एक नई अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ऐसे लोगों की फौज तैयार करे जो प्रभु का साक्ष्य सहर्ष रूप से खुशी के साथ में सशक्त रूप से करने में कामयाब हो सके। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पेंटेकोस्ट त्योहार मनाने के लिए अपने आप को तैयार इन दिनों में करेंगे, हम पूर्ण दिल से संपूर्ण मन से प्रार्थना करें कि भारतीय कलीसिया में और एवं विश्व रूपी कलीसिया में पवित्र आत्मा का पुनरागमन हो। यही हमारी प्रार्थना रहे, यही हमारी कामना रहे। आमीन।